वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारा इस गाड़ी न्यू गाड़ी के साथ फर्स्ट लॉन्ग ट्रिप। तो चलिए मैं आपको मिलाती हूँ आज मेरे साथ इस ट्रिप में और कौन कौन है। चलो अब दिखाती हूँ आप लोगों को। हाय जीजू। हाय स्तुति। ये दो मेरे साथी, अभी इन दो से मैं मिलाती हूँ। ये युने और जीजू। हाय युने। हेलो युने। हाय हाय क्लैपिंग। हाय गर्ल्स। और ये है गाइस मेरे दो और साथी, सृष्टि दी, डिम्पी दी। आप लोग इन सभी को जानते ही हैं। तो कैसी एक्साइटमेंट? फर्स्ट लॉन्ग ड्राइव है हमारी, मजा आ रहा है। वाओ देखिए प्लीज। वाओ। लोकेशन की अगर बात मैं करूं तो हम जा रहे हैं रोडू, शिमला टू रोडू। ये हमारी एक लॉन्ग ट्रिप है और बहुत टाइम बाद हमारी कोई लॉन्ग ट्रिप सक्सेस हुई, क्योंकि प्लानिंग हम बहुत टाइम से कर रहे थे बट कहीं भी हम जा नहीं पा रहे थे। और रास्ते में हमें लगी भूख तो हम आए एक कैफ़े जिसका नाम था शुभारंभ। और ये कैफ़े जो है वो था घुम्बा स्टेशन पे। और कैफ़े ये काफ़ी अच्छा था क्योंकि हमने बहुत सारे एक्सप्लोर और किए, हमने देखे बट कोई भी अच्छे नहीं थे। और फाइनली हमें एक अच्छा कैफ़े मिला। और एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को हाय। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसके बाद हमने क्या किया जब तक हमारा ऑर्डर। हमारा टाइम पास जो है जीजू ने किया सॉन्ग्स गाकर और गिटार प्ले करके। आ गया हमारा चाइनीज जो देखने में बहुत यम्मी लग रहा है। और खाना खाने के बाद का माहौल कुछ ऐसा है हमारी कार में। फिर उसके बाद डिम्पी ने हमें फेमस स्पॉट एक पानी पूरी का हमें बताया और सच में गाइस ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो हमने ये भी खाई, पानी पूरी और चाट। सो टेस्टी एंड यम्मी विद अ परफेक्ट व्यू। रास्ते में लग गई थी बारिश बट मुझे फिर भी बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसे चारों तरफ पेड़ ही पेड़ और रास्ते में आप बीच में चलो, मतलब ये अलग ही एक वाइब है और अलग ही एक फील है। तो मैंने तो ये बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। प्ले कभी ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता आपको ये वीडियो में कैसा लग रहा है बट जो मैंने रियलिटी में कैप्चर अपने आइज में किया है वो एक अलग ही वाइब थी, एक अलग ही फील थी। तो अब हम जा रहे हैं हाटकोटी माता मंदिर। यूने आज फर्स्ट टाइम अपने माता के मंदिर जा रहे हैं। ये जब बॉर्न हुआ था तो हमने विश किया था कि हम माता के पास आएंगे, तो आज आए हैं माता जी के पास। ये यूने और उसके पापा। फिर इसके बाद हमने थोड़ी पूजा की और यूने के लिए भी हमने एक हवन टाइप रखवाया था तो हमने उसकी थोड़ी तैयारियां की। जब तक पंडित जी नहीं आए तब तक हमने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा पूजा पाठ कर लें। फिर ये रहा कुछ इस तरह से हम मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। तो कौन कौन आप लोगों में से हाटकोटी माता मंदिर गए हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मंदिर के बाद हम निकल गए अपनी लोकेशन के लिए जहाँ हमें जाना था। काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी तो उसके बाद हमने सोचा कि हम थोड़ी चाय पी लें और पूर्वज के भी कोई दोस्त हैं साथ में तो हम यहाँ आए हैं सिग्नेचर 75। तो पहुंचते पहुंचते हमें काफ़ी लेट हो गई थी क्योंकि हम बहुत रुकते रुकते आए थे जैसा कि आपने देखा ही अभी तक व्लॉग में। अभी लाइट ऑफ हो जाएगा ना। नहीं ऐसा नहीं, अच्छा रास्ता है, इतना खुला, लोगों के गांव के तो बिल्कुल तंग होते हैं। ये मेटल हो जाएगा भी कुछ टाइम, फिर यहाँ पे भी शटर शटर ये तो काफी खुला भी नहीं और वैसे गड्ढे भी नहीं है।
अब हम जा रहे हैं। जैसे और गांव है ना बिल्कुल पतले रोड होते हैं, यहाँ कुछ यार हमारे को यहाँ वाइल्ड एनिमल मिल जाए तो मजा आ जाए। हाँ फिर घर पहुंचते ही हम सो गए थे क्योंकि बहुत थक चुके थे। तो मैं आपको सीधी सुबह का दिखाती हूँ कि हमने सुबह उठ के हमने क्या किया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये है मेरी चाय रेडी और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसके साथ व्यू। टडा, वाव, ब्यूटीफुल व्यू इसके साथ, इतने सुंदर व्यू के साथ चाय पीने का कुछ अलग ही मज़ा है। वाव। और शिष्ट दी बना रही है हमारे लिए हलवा। बताओ शिष्ट दी किस चीज़ का हलवा बना रहे हो? आटे का। वाव। और जो डिम्पी दी है अभी बनाएंगे वो पास्ता। फिर सारा खाना प्रिपेयर करने के बाद और फ्रेश होने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम मंदिर चलें क्योंकि हमें मंदिर में भी भोग चढ़ाना था। और अगर मैं गांव की बात करूं तो गांव का नाम है बागी और ये विलेज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। मतलब मैंने इमेजिन नहीं किया था ये इतना सुंदर विलेज होगा। और आप देख ही सकते हो जो व्यू है वो चारों तरफ से इतना सुंदर है, मेरा तो मन कर रहा था मैं इधर ही बैठ जाऊँ और व्यू इंजॉय करती रहूँ। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हमें पानी की आवाज़ आ रही है, देखते हैं इधर क्या है। तो चलिए लेट्स गो, दस मिनट के लिए इतने। ओह माय गॉड, लुक एट दिस व्यू गाइस। मुझे लगता है मैं इस पूरे व्यू में पूरे व्लॉग में सॉरी व्यू ही दिखाने वाली हूँ क्योंकि सच में ये बहुत ज़्यादा प्रिटी व्यू है। ओह माय गॉड, ओह थैंक यू बिच। फिर इसके बाद आ गए हम रोडू बाज़ार मार्केट। मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मार्केट कैसा है और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो लेट्स सी आप लोगों को रोडू मार्केट कैसी लगती है। कि कुछ खा लेते हैं तो हमने छोले भटूरे ऑर्डर किए थे और परांठे और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे। फिर इसके बाद हम घर आ गए और आप देख सकते हो यूनि की हालत, ये भी थक के बेचारा सो गया था। और फिर इसको सुलाने के बाद डिम्पी और मैं गए क्रिकेट खेलने। तो ये था हमारा डे वन और डे टू का ट्रिप व्लॉग और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।